बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम ये देखें, आपको ये टप नज़र आ रहा होना है, ये जो बंगियों की तोप है ना पीछे मेरे कैमरे के बैठी हुई, ये 6 किलो मेरे लिए चिकन ले आया है कि इसका हमें ना कोरमा बना के दे। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी ना इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो आ जाए मेरे ज़रा पास, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी मैं किस तरह से तैयार करती हूँ। आज आप सोच नहीं सकते हो इस टप को देख के शाहिद साहब की हालत क्या है। जब वो हंसता है ना, उसका पेट भी हंसता है। आप सोचे कि लोगों के दांतों से हंसी निकलती है, फिर शाहिद का जो पेट जो जब हंसता है ना, तो उसका पेट भी प्रॉपर हंसता है। तो आज उसका पेट जो है ना, वो हंस रहा है। तो चले, ये मैंने 6 किलो चिकन ले लिया है। 6 किलो चिकन को मैंने वॉश नहीं अभी किया। इसको मैं तकरीबन 6 टेबलस्पून ना मैं नमक लगा दूंगी। ऊपर नीचे करूंगी चिकन को। मिक्स कर दूंगी। ये मैं फिर आपको बता रही हूँ कि ये चिकन ना जो हमने अभी वॉश नहीं किया, अभी इस चिकन को मैंने धोना है। नमक लगाने का मकसद है, अगर आप कोरमा बनाते हो, ज़्यादा बनाते हो, उसको नमक लगाओ। नमक लगाने के बाद उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आप छोड़ दो। चिकन में से जो इतनी सी भी स्मेल होती है ना, इतनी सी भी स्मेल, वो आपको कभी नहीं आएगी। हाँ जी, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है इस चिकन को मुझे नमक लगाए हुए। अब इसके धोने का टाइम आ गया है, तो मैं आपको दिखाऊं कि नमक जो मैंने लगाया उसका रिजल्ट क्या निकला है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ चिकन ने ये पानी अपना कितना छोड़ दिया। अब इसको हम वॉश कर लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं कि हम रेसिपी अपनी कैसे स्टार्ट करते हैं। तो जाइएगा मत, मेरे साथ रहिएगा जी। तो हमने चिकन को वॉश कर लिया है, अब हम पकाई की तरफ आते हैं कि हम स्टार्ट किस तरह से, इस चिकन का कोरमा किस तरह से बनाते हैं। तो आ जाए मेरे साथ जी। एक कढ़ाई मैंने ले ली है, इसमें बनस्पति ये घी मैं डालूंगी। कितना घी है ये? तकरीबन 1.5 किलो मैंने घी डाल दिया है फ्राइंग के लिए जी। देखें, घी हमारा गर्म हो चुका है। ये 1 किलो प्याज मैंने, 1 किलो 6 किलो के लिए मैंने 1 किलो प्याज ली है। 1 किलो प्याज बारीक बारीक काट ली है। अब इसको घी के अंदर शामिल कर लेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे जी। ये देखें, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस प्याज को अब मैं चूल्हा नीचे से बंद करूंगी और इस प्याज को इसमें से कढ़ाई में से निकाल लूंगी। ये देखें, ये देखें जी, प्याज का घी अच्छी तरह से नुचड़ गया। अब इसको एक बर्तन के अंदर निकालेंगे और इसको फैला देंगे ताकि ये ठंडा और क्रिस्पी हो जाए। हाँ जी, जरा बाजू शाजू ऊपर कर ले। अब टाइम आ गया है चिकन फ्राई करने का। चिकन को आपको मैं पहले बता दूं कि जब आपने इसको धोना है तकरीबन आधा घंटा, इसको छननी में डाल के इसको नुचड़ने के लिए रख लेना। आपने नुचड़ता हुआ गोश्त घी के अंदर नहीं डालना, नहीं तो ये बहुत बुरी तरह जो घी होता है वो उड़ता है। तो अब मैं इस कढ़ाई में जिसमें प्याज फ्राई किया उसी में ये चिकन फ्राई कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। और इस चिकन से मैं थोड़ा सा दूर होके हट के बैठ गई हूँ, क्योंकि एकदम से इसमें से ना घी उछल के बाहर आ जाता है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा पीछे होके बैठे और एहतियात के साथ इसको फ्राई करें। मीड फ्लेम जो है आपने हाई नहीं इसकी रखनी। मैं आपको बता दूं, मैं ये मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ। मैं कोई भी टिप जो होता है मैं मिस नहीं करती। मैं कहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ ताकि आपको पकाने में आसानी हो। ये देखिए जी, चिकन हल्का सा ब्राउनिश की तरफ जाने लगा था, तो मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से बाकी का भी चिकन फ्राई कर लेंगे।
ये नहीं जी, चिकन हमने सारा फ्राई कर लिया है। हाँ जी, ये जिस ऑयल में मैंने ये चिकन फ्राई किया है, अब ये ऑयल बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने कोरमा तैयार करना है। जी, ऑयल हमने छान के बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें 5 टेबलस्पून मैंने ये लहसुन अदरक की पेस्ट बना ली है, वो शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद हमने सिर्फ 1 मिनट, आधे मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। और उसमें 1 किलो ये मैंने टमाटर के छिलके उतार लिए थे, ये इसमें शामिल कर देंगे। टमाटरों को गलने तक भून लेंगे। जी, यहाँ पे अब मैं कुछ ड्राई मसाले इसमें ऐड करती हूँ। ये सुरख मिर्च है, वो मैं इसमें 4 टेबलस्पून डालूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लीजिएगा। हल्दी 1.5 टेबलस्पून, सूखा धनिया 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, ये जी 3 टेबलस्पून मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी। मिक्स करेंगे। जी, नमक मैं यहाँ पे नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी हमने चिकन में लगा लिया हुआ है। जब चिकन ऐड करेंगे तब मैं इसका नमक चेक करूंगी, उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इस मसाले को भून लेंगे ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। यहाँ पे खूबसूरत कलर के लिए मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर लूँगी 2 टेबलस्पून। फ्लेम जो है इसके नीचे मैंने मीडियम रखी हुई है। हाँ जी, यहाँ पे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके घर मेहमान आते हैं, आप 6 से 7 किलो चिकन लें और मेरे तरीके से बनाएं, मज़ेदार किस्म का कोरमा आपका तैयार होगा। सिंपल से मसाले यूज़ करें, कोई ज़्यादा मसाले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जी, यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको कवर करूँगी और इसको टमाटरों को गलने के लिए रख दूँगी ताकि मैश अच्छी तरह से टमाटर मसाले के साथ हो जाए। जी, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, अब इसका कवर उठाते हैं। ये देखें, टमाटर हमारे गल चुके हैं इसमें। ये जो चिकन था इसके अंदर शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। जी, यहाँ पे चिकन ऐड करने के बाद ये एक पैकेट, छोटे वाला पैकेट जो होता है, वो मैं कोरमे मसाले का इसमें शामिल कर दूंगी। टेस्ट इससे बहुत अच्छा आ जाता है। ये इस तरह से मसाले को मिक्स कर लेंगे। ये मोटा मुझे दूर से बैठे देख रहा है, पता है कि मेरे नाल बड़ा पतीला है, बंदा चम्मच ही आके चला देता है। जी, यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट किया था, कम लगा है। अब फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक डाल रही हूँ, अगर कम और लगा तो फिर मैं डाल दूंगी। आपने इतना ज़्यादा चिकन बनाते हो कि घबराना नहीं है बिल्कुल। आपको मिर्च कम लगती है, आप थोड़ा सा घी लें, उसमें मिर्च को हल्का सा फ्राई करें और डाल दें। नमक कम लगता है, नमक डाल दें, इससे डरना नहीं है आपने कि नमक मिर्च कम हो रही है। आप पहले से ही आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्च ऐड कर लीजिएगा। ये अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 किलो दही है मेरे पास ही, मैं देखती हूँ इसमें कितनी जाती है।
हाँ जी, तकरीबन 1.5 किलो मैंने इसमें दही डाल दी है। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि क्या नाम लेते हैं, चिकन मैंने फ्राई क्यों किया था, क्योंकि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, आप फ्राई किए बगैर उसको बनाएंगे तो चिकन इतना ज़्यादा पानी डाल छोड़ देगा देचकी के अंदर कि वो चिकन वहीं पे गल जाएगा और आपका चिकन कोरमे की बजाय एक खीर तैयार हो जाएगी। इसलिए आपने जब भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो चिकन को पहले फ्राई करें और फिर बनाएं। आपका चिकन कहीं पे भी नहीं जाएगा, अलहदा अलहदा पीस आपको देगों की तरह अलहदा अलहदा से पीस आपको मिलेगा। नहीं तो आप अगर उसको फ्राई किए बगैर बनाते हो तो वो आपको खीर मिलेगी, चिकन नहीं मिलेगा। और जो नमक लगाया था वो भी बताओ। नमक का है कि नमक जो है ये चिकन के अंदर तक जाता है, आपने देखा है कि मैंने वो नमक इसमें बहुत कम डाला है। इतना मज़े का टेस्ट हो जाता है इस चिकन का कि आप एक मेरे तरीके से आप बनाएं, आप मुझे दुआएं देंगे कि आपके मेहमान आए, आपको बाहर से देख नहीं बनवानी पड़ी, आप घर में तैयार कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। बंदा हर काम कॉन्फिडेंस के साथ कर जाता है। इसमें घबराने वाला, खाना बनाते हुए घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे देखें, मैं बार 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 नमक मिर्च चेक कर रही हूँ, मुझे जो चीज़ कम लगेगी मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी। कमाल का, अभी तैयार नहीं हुआ, कमाल का इसका जायका है। अब ये देखें आप, रौनक चेक करें कोरमे की। जी, 1 किलो प्याज लेके जो मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया था, इसको हम चॉपर में डालेंगे। आपने इसको ग्राइंडर में पीसना नहीं है, इसको आपने चॉपर में चॉप करना है। जी ये देखें, प्याज इस तरह से मैंने चॉप कर लिए। अब मैं अपने हिसाब से, मैं इसमें पूरी प्याज किलो नहीं डालूंगी, मैं इसमें से थोड़ी बचा लूंगी, मैंने इतनी प्याज बस डालनी है। जी कोरमे के मसाले में खुशबू के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूंगी, ये मैंने एक मुट्ठी, ये मुट्ठी इस तरह से भर के ना, ये एक इलायची की, सब्ज़ इलायची की ले ली है, 1 टेबल स्पून फुल ये काला शाही ज़ीरा जिसको बोलते हैं, 2 बड़ी साइज़ के ये जायफल हैं, और 6 किलो के हिसाब से ये 5 इस तरह के पीस मैंने ये जवतरी के ले लिए हैं। 6 अदद बड़ी इलायची है, उसके दाने निकाल लिए हैं। अब इसको हम मोटा मोटा पीस लेंगे। हाँ जी, प्याज शामिल करने के बाद ये जो खुशबू के लिए मैंने मसाला पीसा था, इसको 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ पे जी मैं इतना पानी शामिल, 1 जग पानी का शामिल कर रही हूँ। पानी इतना होना चाहिए कि जो पानी है वो गोश्त के लेवल के ऊपर आ जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं फिर इसका मसाला चेक करूँगी। अब इसमें उबाल आने देंगे। जी ये देखें, चिकन में उबाल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे मैंने ये 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम को मैंने कर लिया है, इसको कवर करेंगे और आधे से पौने घंटे के लिए इसको इसी फ्लेम पे पकने देंगे। तो तकरीबन 45 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा अगर आपने मज़ेदार कोरमा खाना है। हाँ जी, 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसका मैं ढक्कन उठाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कोरमा किस तरह का तैयार हुआ है। मज़ेदार किस्म का खुशबू, जब मैंने ढक्कन उठाया ना, मेरे नाक के अंदर घुस गई है, इतना ज़बरदस्त ये कोरमा तैयार हुआ है। तो चलें अब मैं सर्व करके शाही साहब को देती हूँ और आपको खा के बताते हैं कि हमारा कोरमा किस तरह से तैयार हुआ है। हाँ जी शाही साहब, केड़ी बोटी पावा? पट भी ते सीना भी। अच्छा, दोवे पा रहे हो मियां साहब? ये ले।
पट करना मैं नहीं आना। ना यार ऐसे ना कर। लाले आज वाकई छा गए यार। मैं अपने से बड़ा पतीला बना के थक गई। क्यों थक गई? अच्छा मैं यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा था साथ में? नहीं क्या किया तुमने? सारा बेनिफिट के लिए ले जाती है। तूने पतीले में मुंह दिया था? नहीं पतीले में मुंह नहीं दिया, और सारा कुछ काट के तो दिया था ना। काटने में और पकाने में बड़ा फर्क है। और जाने दे यार, तू डरता तो ऐसे है कैमरे के सामने जैसे तुझे मैं बहुत मारती हूं। हां तू मारती है, तेरा को पता ही नहीं होता, किसी भी टाइम चिंता पकड़ लेती है। चलें जी आ जाएं, अब आपको कोरमा क्या? हां की कोरमा छोड़ दे, कोरमा चेक करके बताते हैं कि किस तरह से बना है। ए भूखियां या नहीं लगी हैं आज? ये क्या मैंने नान खाना है यार? ले ले यार। ओए मैं भूल गई रोटी बनाना। कोई बात नहीं, ये पकड़ तेरे कोरमे के चक्करों में। यार कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं आज तू चेक करी बस, आज सारा कुछ भूल जाएगी। मैं कहता हूं जो खुशबू आ रही है ना इस टाइम, एक तो चिकन सॉफ्ट है, दूसरा अपनी जगह पे पूरा पूरी बोटी कायम है, जरा भी टूटा नहीं है चिकन। चलो मैं तो तोड़ना है ना, खाओ। हाँ आए, अब मजा आप देख के कोरमे को भूल जाओगे। बस हम पीछे हो जाओ, बस बड़ी हो गई। आए आए ओए, पहले नान छोड़ो, पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसको कहते हैं मलाई कोफ्ता। यार अब जरा गर्म बड़ा है, ठहर जाओ जरा। ओए हाथ कहाँ पड़े हैं कसम से, वो क्या करूं। बनाया मैं तो हाथ तेरे। हाय 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 हाय, गर्म ही इतना यार। हाय हाय, तड़ियां आज सही तड़ियां आई हैं। ऐसा डबो क्या है। ओए होए, ऊपर ऐ बोटियां और रख के खाएगी, स्पेशल बाइट है। अच्छा पीछे तेरी मैंने बाइट खानी है। लाले नशा है यार, कारा खा के सो रही। जो अरोमा आ रहा था ना खुशबू का, मैं कहता हूँ अंदर तक छोड़ दे यार। तो भाई हो गया काम आज। तेरा ये आज पेट बहुत खुश होगा। मैं कहता हूँ मुझे जरा आहो। आए खाए अंते सीना, सीने की बोटी। ओए होए 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 ऐसे। आए हाय हाय, उतर थोड़ा जो यार, पकड़ा ही नहीं जा रहा यार, सब्र कर ले यार जरा। ओए होए होए, आए हाय आए आए आए। मेरे सुसर थे ना जो, वो पता क्या कहते होते थे, खाना है सीना पावे लग जाए मीना। उनका ये फेवरेट डायलॉग होता था कि उन्हें सीना इतना पसंद था कि वो यही कहते होते थे कि पावे लगे मीना खाना ही सीना। हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ ऐसे अंदर जा रही है तेरी सोच है। मेहमान आए, कोरमा बनाए, कहीं देगर बनाने की जरूरत नहीं है। और मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज ना वाकई भूल जा रही हूँ, मैं वाकई थक गई। थक नहीं गई, टेस्ट का भी कमाल होता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। मैं कहता हूँ सारियाँ तरीफें आज खत्म हो गई हैं, बस सारी तरीफें। ओए होए, दाल वहाँ से लेके बोटी और वो भी खा शुरू हो गई ना, दाल दो की बोटियाँ बीच में ना, इस तरह तंग कर पकड़। मुंह साफ कर दे डंगर है। ओए मजा ही इस तरह खाने का, हाथ बड़े हो मुंह लिबड़ा होगा। आए हाय ओके बाय। हाँ मैं कहता हूँ ये देख, इस तरह हाथ बड़े हो मजा इस तरह आता है।
बड़े एटिकेट्स देखो। इससे ना खा, तू ऐसे कर मुंह बीच में दे ले, एटिकेट्स तो नहीं देखने, बीचे मुंह मारते खा ले। ओके भाई, अभी मारना शुरू कर देंगे।